अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम ये देख रहे हैं कि जिस कदर शदीद गर्मी पड़ी है और लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, लोग अपनी जो मामूल की ज़िंदगी है उनका पूरा का पूरा सिलसिला धर्म भरम दिखाई देता है। मुख्तलिफ हलाकात जो जान की बाजी है वो शहरी हार रहे हैं, बड़ी तादाद में फिगर्स आ रहे हैं, वो एक अलग डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। साथ में इन तमाम चीज़ों के लिए दरख्त लगाएं, ये भी मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमने इसको नहीं दिया तो मुख्तलिफ तरीके से तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं, कोई मास्क पहना हुआ है कि बचा लो, इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो काबू की जा सकती है और अगर नहीं बचाया जाएगा तो सूरत हाल बहुत भयानक लगेगी। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, बिफोर आफ्टर करके चलाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दुनिया जो है वो दरख्त लगाने के बाद आफ्टर की तस्वीर डालती है और बिफोर बताती है कि ये था, और मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ दरख्त लगाने को बिफोर दिखाया जा रहा है और बाद में आफ्टर की तस्वीर लगाई जा रही है कि ये हाल दरख्त कटने के हो गया है। तो अब ये सूरत हाल है, इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस जो एनजीओज हैं वो क्या कर रही हैं, एक आम आदमी की क्या राय है, इसको आज हम डिबेट का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ जो टेलीफोन लाइन पर हैं, बहुत ही इस शहर के बिलखसूस मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, मैं उनका एहतराम इसलिए करता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं दूसरा अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो काम करते हुए। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मुराद सोनी साहब हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ हैं, और एक और विंडो पे मैंने एक आज एक मेहमान से आपकी मुलाकात इसलिए करानी है कि आप अक्सर सोशल मीडिया पे एक साहब को देखते हैं जो एक बैनर हाथ में लिए होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि खुदारा इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन साहब से, वो बुजुर्ग शहरी कौन है, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। पहले मैं कोशिश करूंगा कि अब्दुल हमीद साहब हैं जो बैनर उठाते हैं और कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर दिखाई देते हैं। अब्दुल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, पहले तो मैं आपका एक अनोखा एहतजाज का जो तरीका आप सड़कों पे दिखा रहे हैं उसकी क्या बुनियादी वजह है और डिमांड्स क्या हैं जो आप अकेले ही शुरू हो चुके हैं वो क्या हैं, मैं उसके ऊपर पहले जानना चाहूंगा। अब्दुल हमीद साहब जी, देखिए मेरा नाम अब्दुल हमीद डागिया है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 1970 में मैंने सीए किया है और इस वक्त मेरी उम्र 80 साल की है। ओके। और मैं अप्रैल 2015 से एक कंपेन चला रहा हूँ कराची के लिए, तो उसमें चार इश्यूज के ऊपर मैं कंपेन चला रहा हूँ। और एक तो है कचरा जो जलाया जाता है, दूसरा सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, रोड टूटे फूटे हैं, और चौथा जो है वो दरख्त काटने के खिलाफ। तो इस वक्त क्योंकि मौजू हमारा है दरख्त के बारे में, नहीं नहीं मैं मौसमियात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब, आप खुल के बात करें, क्या एहतजाज है, क्योंकि हम मौसमियात इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया था उसमें ये साफ कहा गया था कि दरख्त को नहीं काटना, यानी प्रोहिबिट किया गया है कि दरख्तों को मत काटे। बहरहाल लेकिन कराची में हाल डिफरेंट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये बताऊं कि ये दरख्त जो काटे जा रहे हैं उसके खिलाफ जो मैं एहतजाज कर रहा हूँ उसकी जो बुनियादी वजह है या जो दरख्त काटने की वजह से जो करंसी में इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फिगर्स वगैरह दे के और ये बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि एक बड़ा दरख्त 22 किलोग्राम जो है वो एयर पोल्यूशन कम करता है। अच्छा, अब और इसी तरह एक दरख्त 4 आदमियों को मुफ्त फ्री ऑक्सीजन देता है। अच्छा, अब एयर पोल्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, उसमें बता रहे हैं कि दुनिया में लंग कैंसर से जो डेथ होती है वो 36% एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। ओके। इसी तरह दुनिया में स्ट्रोक की वजह से जो डेथ होती है वो 34% एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, और इसी तरह दुनिया में हार्ट डिजीज की वजह से जो डेथ होती है वो 27% पोल्यूशन की वजह से होती है, और इसी तरह चाइल्ड यानी बच्चे जो है ना उनके दिमाग भी ब्रेन भी डैमेज होता है
ये पोल्यूशन की वजह। अब्दुल हमीद साहब, मैं एक सवाल और रखना चाहूंगा, फिर मैं मुराद सोनी साहब की तरफ भी जाऊंगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपने एक बड़ी उम्र गुजारी है, पहले का कराची और अब के कराची में कितना फर्क देख रहे हैं, दरख्तों को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, पहले के कराची में मैंने तो ये भी देखा है कि कराची में रोड धुलते थे, यानी रोड धुलते हुए देखे हैं, और अब तो रोडों की जो हालत है वो तो बदहाली है। यानी कराची को, आज के कराची को और जो मैंने देखा है कराची को, उसको तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। कराची बर्बाद हो गया है, कराची को तबाह कर दिया है। ठीक है, अब्दुल हमीद साहब मेरे साथ साथ ही रहिएगा, मैं मुराद सोनी साहब के पास भी जाऊंगा। सर, आप भी देख रहे हैं सूरत हाल, टीवी खोलो तो एक खौफनाक खबरें आपके सामने इकनी तौर पे आ रही हैं, सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है, सूरत हाल आपके सामने है, शदीद गर्मी में किस तरह लोग गुजारा करने पर मजबूर हो रहे हैं। सर, सोल्यूशन मुराद साहब, सोल्यूशन के हवाले से आज हम बात करने बैठे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस बिलखसूस ये जो 4-5 दिन गुजरे हैं? जी देखिए, बात ये है कि ये बिल्कुल बजा बात कर रहे हैं। अब सिर्फ हमारे में, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मसले का हम साथ साथ अपना हल भी करते जाएं। जिस तरह आप ही से मशवरा किया कि अब इस पेट से जितने जब जाके ये हल होगा, क्योंकि मुराद सोनी साहब, अब मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ और दरखास्त कर रहा हूँ आप जैसे लोगों के साथ भी टीवी पे बैठ के, कि अब सड़कों पर आना पड़ेगा। सर भाई, आपके कहने पे हम सड़कों पे आ रहे हैं ना, अब आप देखिएगा अगले हफ्ते में सड़कों पे मुफ्त दरख्त 5 फीट का दे रहे होंगे, खुदा के वास्ते आप पानी दे। देखिए इस शहर की, जो आप इस शहर के होते रहेंगे, हम इंशाल्लाह जो आप मतलब सर, आज मेरे प्रोग्राम में आप वादा कर रहे हैं कि अब मुराद सोनी साहब जो कैमरे लगाते लगाते दिखाई दे रहे थे, अब वो दरख्तों पर दरख्त जो है वो सड़कों पर बांटते दिखाई देंगे, ये मेरे प्रोग्राम में आप वादा कर रहे हैं सर? इंशाल्लाह इसी हफ्ते, इंशाल्लाह हर हफ्ते। क्योंकि सर अब मसला ये है मुराद सोनी साहब, अब बचा ही कुछ नहीं है, अब सूरत हाल जो देख रहे हैं, जिस तरह शदीद गर्मी पड़ रही है, ऊपर से दरख्त हमारे पास नहीं है, और अब तो अच्छा, मैं आपसे एक ज़ाती तौर पे, आप दोनों मेहमानों से ये जानना चाहूंगा, ये जो काटने वाले हैं, इसके पीछे मुहर्रकात में कोई टिम्बर माफिया है, कौन है? सर देखिए, हमारे यहाँ प्लानिंग का सबसे प्रधान है, हमारे यहाँ पे कराची जो है ना जी, इतने मसाइल घिरा हुआ है कि अब जो चीज सामने नजर आ रही हो हर आदमी को करना चाहिए। आप देखिए, पीने का पानी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, एक ऑक्सीजन हमारे पूरे आलूदा किए हुए हैं, हम एक नहीं है, आप खाने का फूड की कोई हमारे यहाँ फूड तो दुनिया के अंदर जो बच्चों को खाना खिलाते हैं तो क्वालिटी पे कोई तो नहीं है। इतने मसाइल हैं कि हम तो हम समझते हैं कि तो दो तीन काम हमने भी लिए, हम उसी काम को वक्त ये ग्रीन हो। मुराद सोनी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, आगाज इस मुहिम का कहाँ से करना शुरू करेंगे, सड़कों पर पौधे शहरियों को, मतलब क्या प्लान्स हैं आपके पास? हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी बात हो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कदम है आप जो उठाने जा रहे हैं, ये छोटा नहीं है। हमारा प्लान है गमले में 5 जो 5 में दर्द होगा वो हम फ्री बांटेंगे, 5 को बांटेंगे, फिर हर हफ्ते फिर छोट भी जाएंगे, इस तरह भी जाएंगे हम 5-500 का दर्द कर, ताकि लोग जो बस दर्द रखते होंगे, दर भी होंगे, जो चले हम बस वादा करना होगा कि आप हमें उस दर्द भी लेके जाएंगे तो अपने बच्चे की तरह पानी भी देंगे। सर सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पे, मैं आपकी इस मुहिम में बज़ाहिर तौर पे, ज़ाती तौर पे उस जगह पे खड़ा हूँगा इंशाल्लाह, तस्वीर भी शेयर करूँगा, क्योंकि अब इसके अलावा चारा कोई नहीं बचा सर, अगर अभी भी अगर हम संजीदा नहीं होंगे, एक एक शहरी। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूँगा मुराद सोनी साहब, ये सोशल मीडिया पे सब कह रहे हैं जी दरख्त लगाओ, हम भी यहाँ बैठ के, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई आने को तैयार नहीं है, इसके पीछे क्या वजह समझते हैं? क्या है, मुनज्जम तरीके से इंतजाम नहीं है इसलिए शहरी नहीं कर पा रहे, बिजी है बहुत, या क्या मामला है? सबको पता है जी दरख्त लगाने, सब शेयरिंग हो रही है। नहीं देखिए, बात इस शहर की आपको ओनर देनी होगी, शहर की ओनर को बोलते हैं कि ये शहर आपको आप अपना शहर समझें। देखिए जिस तरह आबाद होती है तो मैं आबाद वालों को बोलता हूँ, आप फतवा के इस तरह की 50 लाख घर चाहिए, एक चाहिए, ये नहीं कहा कि 1 लाख
भाई देखिए दरख्त होने जरूरी है फिर ये होने की मदद होगी। दरख्त तो मैं आपको दे रहा हूँ, पैसे तो नहीं ले रहा, आप पानी भी करेंगे तो फिर बोले शहर में शहर आपका होगा। बहुत जबरदस्त बात की है मुराद सोनी साहब ने कि शहर आपका ओनरशिप लेनी चाहिए। अब्दुल हमीद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, देखें सिचुएशन आपने कुमर गुजारी है, इस शहर के अंदर बहुत सारी हुकूमतों के मामलात को हुक करते देखा है। मैं आपकी राय इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि एहतजाज पर जब आप अकेले निकल रहे हैं ना बोर्ड पर लेके, तो आपका दर्द एक आम आदमी मुझ समय ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि आप फिजिकली जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ माजी की हुकूमतें या मौजूदा हुकूमतें एनवायरमेंट पॉलिसीज को लेकर कितना संजीदा दिखाई देती हैं आपको? जहाँ तक कराची का ताल्लुक है कोई भी संजीदा मुझे नजर नहीं आता। पहली बात तो ये बता दूं कि कराची में कोई कानून नहीं है दरख्त को बचाने का, यानी जिसकी मर्जी आए दरख्त काट दे, मेरी दुकान के सामने दरख्त है नजर नहीं आ रहा है काट दो, यानी इस हद तक जो है ना लाकानूनियत है दरख्त के बारे में। अच्छा यहाँ मैं एक और बात आपको कहूँ कि तकरीबन 6-7 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था कि शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पे हम दरख्त लगाते हैं और नीम के दरख्त लगाते हैं, आप भी हमें साथ दें। तो मैंने उनको मना कर दिया और मैंने कहा कि दरख्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें दरख्त बचाने की जरूरत ज्यादा है। ओके समझे ना। अच्छा अब आपको मैं बताऊं कि इस साल फरवरी में वो दरख्त काफी बड़े बड़े हो गए थे, इस साल फरवरी में वो दरख्त 4 फुट के ऊपर के सारा काट के ले गए। तो भाई ये क्या तो अब्दुल हमीद साहब आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन सा माफिया कार फरमाए? टिम्बर माफिया है और ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए। अच्छा आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो सूरत हाल ये है कि दरख्त लगाने के बाद जो कटाई है वो मुनज्जम माफिया इसके ऊपर पीछे है? बिल्कुल। अच्छा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मुराद सोनी साहब, अब्दुल हमीद साहब की राय से इत्तेफाक करेंगे आपके, जो कटाई है दरख्त की इसके पीछे एक मुनज्जम माफिया है। मेरी राय है क्योंकि वो जो टप्पर माफिया होते ये सिर्फ जो है ना हम दरख्त का लगा रहे हैं, हम तो दरख्त वहाँ लगा जा रहे हैं, बाउंड्री के वॉल है हम लगा रहे हैं, कब्रस्तान हम लगा रहे हैं, मस्जिदों में हम मदरसों में लगा रहे हैं ताकि उसकी देखभाल हो सके। जब भी आप हम रोड हैं सड़कों पर लगाते तो सिंध के यहाँ से अभी येलो गाड़ी निकलेगी ग्रीन बस निकलेगी बड़े इशू रहते हैं, तो लिहाजा घरों के अंदर पार्क के अंदर लगने दरख्त जो है वो छोटे 500 दरख्त के थोड़ी छोटी चाहिए इलाज। अच्छा मुराद सोनी साहब कवानीन में सख्ती कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि आपकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन आए क्योंकि आप तो इस काम को कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो सुनने वाले हैं, यकीनी तौर पे सुनने वालों में सियासी लोग भी हैं और हम आप लोगों की गुफ्तगू के बाद उन तमाम अराकीन असम्बली से भी कोशिश करेंगे कि हुकूमती और अपोजिशन अराकीन से भी बात करें इसी प्रोग्राम के बाद। तो मैं ये चाहूँगा कि आपकी अगर कुछ सजेशन हैं वो भी दें ताकि मैं उन अराकीन के सामने जो है वो रख सकूं कि भाई इससे पहले ये लोग बैठे थे और ये बात कर रहे थे। देखिए बात ये कि एक काटना जो ना जुलूम पर कर एक दरख्त की बात एक दरख्त की बात वैसे एफआईआर करनी चाहिए एफआईआर करनी चाहिए कि एक दरख्त काट जाती है और उस आदमी को कम से कम 12 घंटे लॉकअप में बंद कर दिए। बहुत जबरदस्त बात की मुराद सोनी साहब, आखिरी कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगा अब्दुल हमीद साहब, कानून में सख्तियां क्या क्या होनी चाहिए? देखिए कानून बनेगा तो ना, मैं एफआईआर काटने के लिए गया तो वो एफआईआर ही नहीं कटी, उन्होंने कहा दरख काटने काट के ले गए तो वो तो किस कानून के तहत हम एफआईआर काटेंगे। अच्छा तो कौन से थाने में गए थे और ये वाकया क्या था अब्दुल हमीद साहब, ये थोड़ा वाकया हमें बताएं क्या हुआ था आपके साथ और कन्वर्सेशन में क्या हुई थी वो भी हम जानना चाहेंगे। दो 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 जगह में जाके एफआईआर कटवाने की कोशिश की, एक तो फिरियर टाउन में जब शाहरा ये इकबाल जो है क्लिफ्टन वाली उसके ऊपर दरख्त काटे तो मैंने जाके मैंने कहा कि एफआईआर काटो, तो उन्होंने कहा किस कानून के तहत, तो मना कर दिया। फिर दूसरा शाहरा फैसल पे जब काट रहे थे, ये चार साल पहले की बात है, तो मैं वहाँ
थाने में गया, वहां पर एफआईआर काटने के लिए, तो उन्होंने कहा किस कानून के तहत, कोई कानून ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि जिसकी मर्जी आए काट के बेच दे या जो भी करे, लेकिन कानून नहीं है कोई, कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनेगा तो कराची के तरफ बचे। मतलब आप अब्दुल हमीद साहब ये मौके फरमा रहे हैं कि जनाब लगाने के साथ साथ बचाना भी बहुत जरूरी हो गया। अब बचाना बहुत जरूरी है, लगाना जरूरी नहीं है, मैं ये कहता हूँ बचाओ दरख्त को जो लगे में। और अभी सिचुएशन आप किस तरह की देख रहे हैं अब्दुल हमीद साहब, और ये एहतजाज आप कब समझते हैं कि ये बोर्ड आप नीचे रखेंगे और घर पे आराम से सोएंगे? अच्छा देखें, ये एक और मैं बात बताऊँ आपको कि ये जो अभी जो दरख्त काटे जा रहे हैं वो कहते हैं कि ये तो गैर मुल्की है, हमारे पाकिस्तानी नहीं है। अरे भाई अभी जो ये लिग्नम के जो दरख्त लगा रहे हैं ना, ये अमेरिकन है, पाकिस्तानी थोड़ी है। कि पूरे शहर में इन्होंने लिग्नम के दरख्त लगा दिए है, चाहे फैसल पे जाए या पूरे शहर में। अब ये जब बड़े हो जाएंगे ना तो फिर एक रूमर चलाएंगे कि यार ये तो बाहर के रहे हैं, तो लोकल नहीं है, तो इसको काटो, ये टिम्बर माफिया आ जाती है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा मुराद सोनी साहब से कि कंक्लूजन की तरफ मैं जाना चाहूँगा मुराद सोनी साहब, अगर आप जो है वो कोई बात कर सकें। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करें। अभी ये जो मामला है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे एक आम आदमी, मैं, आप, देखने वाले, सुनने वाले और बहुत सारे लोग जो हैं, जो जो इस शहर में बसता है, वो बराह रास्त शिकार हो रहा है इस शदीद गर्मी से। कोशिश ये की है कि दोनों अफराद जो कि काम कर रहे हैं इसके ऊपर, एहतजाज भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अनोखी जो एहतजाज है उसकी वीडियोज़ और सोशल मीडिया पे तस्वीर भी अपलोड हो रही है, उसके ऊपर प्रोग्राम और सेगमेंट का हिस्सा बनाऊँ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होंगे और फिर आपसे कोशिश करेंगे कि आपसे मुलाकात और बातचीत भी करवाएँ हुकूमती अराकीन की। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।